इंदौर के गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा शासन से 42 साल से न्यायालय में परिवाद लगाकर कई एकड़ जमीन के लिए संस्था लड़ रही थी। जब सालों बाद न्यायालय द्वारा संस्था के पक्ष में फैसला आया तो सभी सदस्य काफी उत्साहित नजर आए। इसी के चलते गृह निर्माण सहकारी संस्था ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कई मुद्दों को रखा गया। 1949 में शासन द्वारा हमें 441.61 का हमें पट्टा दिया गया था, जिसपे आज भी गांधीनगर सोसाइटी बरकरार है। उसमें क्या है, 200 एकड़ के ऊपर हम लोग आज भी काबिज़ हैं, जिसमें 717/1 खसरा नंबर, 717/3 और 307, ये 200 एकड़ ज़मीन जिसके ऊपर हमारे करीब 3000 सदस्यों को हमने आज भी आवंटन किया हुआ है। मगर 16/10/2019 को हम लोग शासन से, जो हमारा 82 से केस चल रहा था, उसमें दो बार पहले भी हम लोग जीते थे, मगर यहाँ सुपर कार्डर बनने के कारण उन लोगों ने, शासन ने हमारे ऊपर वापस से स्टे लगा दिया था। मगर वो स्टे के विरुद्ध हम लोग जाके शासन से, हम लोग 16/10/2019 को 441 एकड़ ज़मीन का हम लोग केस यहाँ पर जीते हैं। अब हमें आगे, हमको यही है कि हम लोग शासन से, हम लोग चाहते हैं, कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि जितने भी हम लोगों को कब्जा देना है, जो हमारे पर स्टे था, आज स्टे ख़त्म है, हम जो 500 लोगों को कब्जा जो देना है उनको कब्जा दे सकें, और विधिवत रूप से कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन भी करूँगा, शासन से भी निवेदन करूँगा कि हमारे गांधीनगर सोसाइटी की रजिस्ट्री शीघ्र 2004 से कलेक्टर महोदय के द्वारा बंद थी, उसको शुरू की जाए, जिससे कि सोसाइटी को भी, सदस्यों को जो मकान बनाना चाहता है, गरीब कष्ट निवारण के नाम से पहले ये था, मगर बाद में इसका नाम चेंज करके गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था रखा गया, तो जिससे लोग उन मकान बना के उस पर लोन ले सकें, और सबसे पुरानी संस्था है ये। बस शासन से ये निवेदन करूँगा कि शीघ्र रजिस्ट्री शुरू करें। नरेंद्र बख्शी, डायरेक्टर गांधीनगर की, कि गांधीनगर काफ़ी तरह से प्रोग्रेस हो चुकी है, अब इसमें आके आप सारी जनता हमारा सहयोग करें। सोसाइटी में पढ़े लिखे डायरेक्टर बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, इनका आके आप समर्थन करें। बाकी जो न्यायालय, उच्च न्यायालय, जहाँ भी हमारे प्रकरण है, उसका हमारे पक्ष में फैसला आ चुका है। सिर्फ एक ही निवेदन है गांधीनगर की जनता से कि जागरूक हो, यहाँ सोसाइटी में आके संपर्क करें, अविवाद या कहीं भी जाके इस चीज़ में लफड़े में ना पड़े, सिर्फ सोसाइटी में आए। सारी चीज़ों से हमारी सोसाइटी क्लियर हो चुकी है। हमारे जितने डायरेक्टर हैं आज की तारीख में सब पढ़े लिखे समझदार हैं। पहले ये होता था कि आज इस पार्टी उस पार्टी के लेके झगड़ा होता था, सोसाइटी विवादों में रहती थी। आज हमारी पार्टी क्लियर हो चुकी है, आज इतने समय से कोई सोसाइटी का विवाद नहीं है। 11 डायरेक्टर जो यहाँ रहते हैं वो कंटिन्यू एक सरी का कार्य कर रहे हैं, आप उन पर आक्षेप लगाते हैं, इस चीज़ का मेरा कट्टर विरोध है। जनता यहाँ आए, सब समझदार है, यहाँ आके बात करे, आपका सब काम होगा, यही एक निवेदन है गांधीनगर की जनता से।